नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपको कमोडिटी की तो बात करेंगे ही, साथ ही आपके सवालों के भी जवाब देंगे। आपके पास कोई भी कमोडिटी से जुड़े सवाल हो तो आप हमारे नंबर 9136934065 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें, अपना नाम, अपने शहर का नाम, फिर अपना सवाल भेजें। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पेज के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान हैं। चिंतन मेहता हैं, सीईओ हैं अवांस होल्डिंग्स के, भूपेश शर्मा हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं बीकानेर से, और बिटुपन मजुमदार है, टेक्निकल एक्सपर्ट है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले एक अहम खबर की बात करेंगे, वो है आईएमडी का जो अप्रैल को लेकर जो नया अनुमान जारी किया गया है वो क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीएस पई साहब है आईएमडी से। शुक्रिया पई सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर, क्या अप्रैल को लेकर आप लोगों ने क्या अनुमान जारी किया है, कितनी गर्मी, क्या भीषण गर्मी की आशंका है क्या अप्रैल के महीने में? नमस्ते। नमस्ते सर। आज जो फोरकास्ट हम लोगों ने इश्यू किया है फॉर अप्रैल मई जून का, ये जो तीन महीने का सीजनल फोरकास्ट और अप्रैल महीने का फोरकास्ट टेम्परेचर और रेनफॉल फोरकास्ट दिया हुआ है। एज पर अवर फोरकास्ट जो मैक्सिमम टेम्परेचर है मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट कोई नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में और कोई नॉर्थ वेस्ट का कुछ पॉकेट्स में, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न पार्ट में, एक्सेप्ट दिस प्लेसेस, ज्यादा से ज्यादा जगह में मोस्ट प्लेस ऑफ द कंट्री अबोव नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर होने की संभावना है। मिनिमम टेम्परेचर का भी ऑलमोस्ट सिमिलर फोरकास्ट है, सामान्य से ज्यादा और मैक्सिमम भी सामान से ज्यादा रहने की संभावना है। सर, हार्वेस्टिंग का टाइम है कई सारी फसलों का, खास करके गेहूं को लेकर, क्या उसको लेकर कोई चिंता करने की बात है कि अब सब कुछ तैयार है, फसल अब कट रही है, अराइवल्स के टाइम आ गए हैं, तो उसको लेकर कोई चिंता करने की बात नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे भाई सर? देखिए, हम लोग जो एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट जो आए थे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से, इनके हिसाब से अभी 15 दिन में हरियाणा, पंजाब, ये रीजन में सभी पूरा हार्वेस्टिंग होगा। सिंस अभी ऑलरेडी फिलिंग और ग्रेन फिलिंग और मेच्योर स्टेज में है, इसलिए इसका कुछ मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ने से कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, यही उन्होंने बताया। और एमपी मध्य प्रदेश में से भी ऑलमोस्ट 90% हार्वेस्ट हो गया है, यानी मोस्ट ऑफ द जो रीजन है जिधर गेहूं का जो मैक्सिमम लाइक यूपी, पंजाब, हरियाणा, इनमें मेनी एरियाज में हार्वेस्टिंग शुरू हो गया और हार्वेस्टिंग कोई कोई जगह में 15 दिन में हो जाएगा, तो टेम्परेचर का इम्पैक्ट होने की संभावना नहीं है इसमें। अच्छी बात है, आपने साफ कर दिया कि गेहूं को लेकर चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि फसल अब तैयार है, अब कटाई का देश के ज्यादातर हिस्से में कटाई हो रही है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। सर, अब बात कर लेते हैं एलनीनो को लेकर। एलनीनो को लेकर आप लोगों ने क्या अनुमान जारी किया है, कब तक एलनीनो एक्टिव रहेगा और कब से लानीना न्यूट्रल कंडीशन कब से बनेगी और फिर लानीना एक्टिव हो जाएगी? देखिए, ये जो अभी तक लास्ट महीने तक एलनीनो स्ट्रॉन्ग एलनीनो कंडीशन में था, वो अभी वीक होके मॉडरेट कंडीशन में पहुंच गया है। नेक्स्ट दो तीन महीने में, यानी अप टू जून तक ये न्यूट्रल होने की संभावना है, फर्दर वीक होके, और ये भी संभावना है एंड ऑफ मानसून सीजन यानी अगस्त सितंबर के बाद लानीना कंडीशंस डेवलप होने की कोई कोई मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन एस ऑफ नाउ ये स्प्रिंग सीजन प्रेडिक्टेबिलिटी बैरियर है, यानी ये स्प्रिंग सीजन के बारे में मई में जो फोरकास्ट आएगा उसमें ज्यादा स्किल है, तो इसलिए हमें लालीना जो फोरकास्ट है तो उसका थोड़ा और वेट करना पड़ेगा कंफर्म। लेकिन एस ऑफ नाउ जो भी मॉडल्स दिखा रहे हैं, देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लालीना इन द लेटर पार्ट ऑफ द मानसून सीजन। जो सेकेंड हाफ मानसून सीजन का होगा ना, चार महीने का मानसून सीजन होता है जून से सितंबर, उसमें सेकेंड पार्ट जो होगा, जो आधा जो मानसून होगा अगस्त सितंबर, वहां पर लानीना एक्टिव होने की संभावना अब तक है, लेकिन क्लैरिटी मई तक ज्यादा मिलेगी। सर, आप लोग मानसून का पूर्वानुमान कब जारी करेंगे, उसकी तारीख भी बता दीजिए। मैं जनरली हम लोग अप्रैल मिडिल में फर्स्ट फोरकास्ट देते हैं कंट्री से होल एंड जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, बाद में मई लास्ट में हम लोग अपडेट देते हैं। okay. तो अवर फोरकास्ट ये 15 के बाद में फर्स्ट 15 के बाद का जो वीक में मोस्टली हमारा ये फर्स्ट मानसून फोरकास्ट इश्यू होगा।
बिल्कुल सही बात है, हर साल आप उसी दौरान 15 के आसपास देते हैं। 15 अप्रैल के बाद पहला पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किया जाएगा और फिर मई के आखिर में पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ मॉनसून को लेकर पूरा फॉरकास्ट आईएमडी की तरफ से जारी किया जाएगा। शुक्रिया पाई सर, आपने वक्त निकाला, आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप उस समय कॉन्फ्रेंस में भी थे और फिर भी आपने वक्त हमारे लिए दिया और पहली बार आप टाइम पर आए और अपनी राय दी और लोगों को जानने का मौका दिया कि तापमान को लेकर स्थिति क्या है, अप्रैल में किस तरह का तापमान रह सकता है। तो उन्होंने साफ कर दिया है कि सामान्य से ज्यादा तापमान रहने की संभावना है, मैक्सिमम में भी और मिनिमम भी। एलनीनो एक्टिव रह सकता है जून तक, उसके बाद जून में जाकर न्यूट्रल स्थिति बनेगी, फिर अगस्त सितंबर तक लानीना भी एक्टिव हो सकता है। तो सेकेंड हाफ मानसून बेहतर रहने की संभावना अब तक जताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर है गोल्ड को लेकर, जहां पर जबरदस्त रैली दिख रही है। आज खुलते ही बाजार करीब करीब 1,500 से 2,000 रुपए तक चढ़ गया और 69,487 रुपए का नया रिकॉर्ड बना लिया। हालांकि उस रिकॉर्ड से देखें तो काफी करेक्शन भी देखने को मिला, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी दिखी, लेकिन अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट में वो नया हाई अब दर्ज हो चुका है 69,487 रुपए का। अब लोगों के मन में सवाल है कि आगे क्या होगा, इसलिए हमने एक पोल भी किया है। जितने भी घरेलू ब्रोकरेज हाउसेस है और जो इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं, उन्होंने भी अपना, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनियां, उन्होंने भी अपने टारगेट पहले से ही जारी कर रखे हैं, वो भी बताएंगे। घरेलू बाजार में पैराडाइम कमोडिटी, उनको लगता है कि इस साल सोना जो टॉप होगा सोने का, वो 75,000 से 78,000 रुपए तक हो सकता है। साथ ही कई सारे ऐसे ब्रोकर हैं जिनको लगता है कि 70 से 74 हज़ार, कुछ 76 हज़ार दे रहे हैं, तो 70 से 78 हज़ार का रेंज आ रहा है इस साल का टॉप लेवल। और लेकिन जितने भी ब्रोकर्स थे घरेलू बाजार में, उनका यही कहना था कि आप अभी करेंट लेवल पर खरीदारी से बचे, थोड़ा करेक्ट होने दे, नीचे आने दे, फिर आप एंट्री करें। लॉन्ग टर्म में तेजी का ट्रेंड अभी बरकरार है। एक बार हम अपने प्रोड्यूसर से वापस कहेंगे, जो इंटरनेशनल मार्केट के जो ब्रोकर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनियां हैं, उनके टारगेट को वापस से स्क्रीन पर लेकर आएं, फिर मैं बताता हूं कि उनके टारगेट क्या क्या है। जेपी मॉर्गन ने उनकी जो रिपोर्ट है उनके हिसाब से 2024 में कॉमेक्स पर सोना $2,500 तक जा सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका का $2,500 से $2,600, वहीं ANZ का $2,300 का है और XM ऑस्ट्रेलिया का $2,300 का टारगेट है और सिटी का भी $2,300 का कॉमिक्स गोल्ड को लेकर टारगेट है। चलिए हमारे साथ तीन और एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बारी बारी से जानते हैं। बिटुमन, सबसे पहले आप बताइए, आपको क्या लग रहा है किस तरह की गोल्ड की चाल यहाँ पर रहेगी, आगे इस साल का टॉप आप कहाँ तक जाते देख रहे हैं और नीचे कहाँ तक जा सकते हैं, एक रेंज बताएं आप गोल्ड का। बिस्मोहन जी, आज से 2 महीने पहले जब ये गोल्ड 61,000 के आसपास था या $2,000 के आसपास था, मैंने आपको शायद बताया था कि हम लोग बात डिस्कस भी कर रहे थे उस टाइम कि ये गोल कहाँ तक जाएगा। मुझे लग रहा है कि एक बड़ा रैली गोल में शुरू हो रहा है और उसका पहला इंडिकेशन मुझे मिला था जो ऑल्टरनेटिव करेंसी, जिस तरह से बिटकॉइन का जिस तरह से रैली है या जो क्रिप्टोज में इज वन ऑफ द फैक्टर, क्योंकि आजकल क्रिप्टोज में भी आजकल ऑल्टरनेटिव करेंसी का ट्रेड होता है। और फिलहाल अगर मैं गोल का देखता हूँ टेक्निकली, ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे स्पॉट गोल का चार्ट अभी 2,240 के आसपास चल रहा है। हाँ, ये एक चीज है कि मार्केट थोड़ा शूट अप कर लिया है, यहाँ पे करेक्शन तो बनता है, छोटा मोटा करेक्शन बनता है, करेक्शन आना भी चाहिए क्योंकि करेक्शन आने से बेटर बाइंग लेवल बनेगा। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कि 2,400 to 2,450 वेरी अचीवेबल टारगेट और वहां पे मार्केट जा सकता है। और साथों साथ ये भी हो सकता है कि डॉलर रुपी का भी जो एक्सचेंज रेट काफी हद तक मतलब अभी फ्लैट था, मे बी गोइंग फॉरवर्ड डॉलर थोड़ा सा स्ट्रेंथ हो सकता है मॉडरेटली अगेंस्ट द रुपी। अभी ऐसा रिलेशन नहीं है कि सिर्फ डॉलर की कहानी, देखिए अभी डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा ऊपर है लेकिन फिर भी गोल्ड ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा सा वो रिलेशन थोड़ा सा आजकल चेंज हो गया है। और मुझे लग रहा है गोल्ड में अभी जो इंडियन का भाव है 68,550 या 68,500 चल रहा है, ये गोइंग फॉर मुझे लग रहा है 74,000 to 75,000 वेरी कंफर्टेबली पॉसिबल होगा, लेकिन हाँ इस साल में होगा। इमीडिएट अगर कोई ट्रेड पर्सपेक्टिव से है, जो मैंने आज के लिए बताया था आपको कि यहाँ पे थोड़ा मार्केट ओवरबॉट सिनेरियो पे पहुंच गया है, काफी स्ट्रॉन्ग स्पाइक आया हुआ है, तो यहाँ से एक करेक्शन बनता है और करेक्शन 68,000 to 67,500 तक आ सकता है। तो यहाँ पे इस लेवल पे, टॉप लेवल पे मेरे हिसाब से बाय करना इज नॉट गोइंग टू बी सेफ। अगर इंट्राडे प्लेयर को किसी को ट्रेड करना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ मेरे हिसाब से कोई पुल बैक में सेल करना चाहिए आज के हाई के ऊपर रख के। मुझे लग रहा है थोड़ा एक दो दिन में मार्केट थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है, करेक्शन आ सकता है 67,800, 67,500 ये सब लेवल पॉसिबल है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में एवरी डिक्लाइन इज ए बाय, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में सोचते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग बाय रहेगा, कोई भी डिप्स में बाय करना चाहिए। तो क्लियर है व्यू, अगर आप ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पर वेट करें, 68,000 68,500 के बीच में आप खरीदारी की सोचें।
लंबी अवधि के जो निवेशक है गोल्ड में, वो हर गिरावट पर धीरे धीरे खरीदारी स्टैगर्ड मैनर में कर सकते हैं। भूपेश जी, आप बताइए आपका रेंज क्या है गोल्ड को लेकर, ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए, दोनों के लिए? जी नमस्कार सर। नमस्कार। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का बाजार मुझे नीचे में 66,000 और 65,500, और अपसाइड की बात करें तो 70,000 और 71,500, ये एक रेंज आने वाले समय के लिए समझ आती है। गोल्ड में मार्केट अभी ओवर स्ट्रेच हुआ है, क्योंकि मार्केट आज भी काफी गैप के साथ ओपन हुआ था, तो ओवरबॉट कंडीशन में है मार्केट। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 10 से 15 दिन में गोल्ड एक बार छोटा सा करेक्शन लेना चाहिए, जो करेक्शन 65,500 से 66,000 तक मिलना चाहिए। ओवरऑल गोल्ड में मेरा विचार काफी बुलिश है, और इन्वेस्टिंग प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो गोल्ड में 72,500 और 73,500 तक के भी लक्ष्य देखे जा सकते। अब बताइए चिंतन जी, गोल्ड पर आपका व्यू क्या बन रहा है? चिंतन मेहता जी, आप ऑडियो को अनम्यूट कीजिए, लोग सुनना चाह रहे हैं आपको। सर सॉरी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी सॉरी, हमारा ऑडियो जरा ये इस पर रह गया था, तो म्यूट पे था। तो हम लोग वी एट ए बैंड जो मैं आपको बता रहा था, वी वैल्यू फिगर्स वेरी मच रादर देन एक बार अपने जो इमोशन या सेंटिमेंट को बीच में रखे। तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा कि क्या हुआ है। 14 या 15 मार्च के दिन जो फ्राइडे था, 15 टन का सिंगल बाइंग आया था अमेरिकन ETF में, जो अभी तक का ऑलमोस्ट टॉप बाइंग आया था। ये जो बाई करते वो नॉर्मली हेज फंड्स बाई करते वहां के, और जैसे हम लोग मानते हैं यहाँ के इंडियन इक्विटी मार्केट में FPI या FII जो करते हैं वो सही तरीका रहता है, वैसे वहां पे भी जब ये बाई करते हैं तो एक लंबे टारगेट की वजह से बाई करते हैं। अगर आप देखो कि OI देखो, वॉल्यूम देखिए, तो कोई भी चीज अब सब कोई चीज अभी तेजी ही रिफ्लेक्ट कर रही है। और अगर आप कॉमेक्स का स्टॉक देखो तो एक साल के लोएस्ट कैटेगरी पे आ रहा है, उसका मीनिंग वहां पर डिमांड आ रही है, लोग उसको बाहर लेके जा रहे हैं। अगर आप चाइना का प्रीमियम देखें तो चाइना का प्रीमियम थोड़ा सा जरूर नीचे आया है, बराबर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से करेक्शन आना चाहिए, बट ये टॉप नहीं है, हमको टॉप बनने की राह देखनी चाहिए, और हो सकता है जो हमें अभी टॉप लगे वो टॉप ना हो, और ये एक बार के लिए सबका स्टॉप लॉस कटाने के लिए $2,300 भी एक बार क्रॉस कर जाए और फिर वहीं से नीचे आए। तो फ्रेश बाय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे सेल बिल्कुल नहीं बनता, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बिल्कुल इनके इंटैक्ट है, और ये यहां से और ऊपर जा सकता है, क्योंकि हर एक जन जो है उसको लग रहा है कि बहुत हो गया और यहाँ पे से मंदी आ सकती है। तो मेरा व्यू रहेगा कि आप साइड पे रहे, अगर आप गोल्ड बाय में है तो आप वेट कर सकते हो टॉप बनने की, बट नया फ्रेश बाय आप यहाँ नहीं बना सकते हो। यानी तीनों एक्सपर्ट्स की राय बिल्कुल एक ही लाइन पर है, तीनों एक्सपर्ट्स कहते हैं कि करेंट लेवल पे अभी आप बचे, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन आने दे, फिर आप यहाँ पे खरीदारी करें। चलिए अब आगे और कमोडिटी की तरफ बढ़ते हैं। चांदी में बताइए चिंतन, आपका व्यू क्या है, चांदी में क्या लग रहा है? चांदी भी अगर आप देखें तो आज डे हाई से काफ़ी नीचे आ चुकी है, चांदी 76,000 के ऊपर चली गई थी शुरुआत में, क्या लग रहा है चांदी की चाल कैसी रह रही है, आपको क्या लग रहा है चांदी में? अब वी एट एमेंस वी थिंक दैट अगर आप गोल्ड को लॉन्ग तरीके से अगर खेलना चाहते हो तो आज के दिन में चांदी को लॉन्ग करने का बहुत ही अच्छा लेवल है। आपको नीचे में 72,000-73,000 तक एक बार मिल सकती है, बट अगर यहाँ पे अगर रैली आती है तो ये आपको 80,000 तक भी मिल सकती है। तो मेरा व्यू ये रहेगा, अगर आपके पास लॉन्ग जाने की है, अगर आप गोल्ड लॉन्ग जाने की या प्रेशियस मेटल या अगेंस्ट डॉलर ट्रेड करना चाहते हो, डॉलर इंडेक्स अगेंस्ट में ट्रेड करना चाहते हो, तो ये जो चांदी है ये सबसे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड वाइज आपको फेवर दे सकती है। वी एट एबेंस थिंक दैट 72,000-73,000 के स्टॉप लॉक के साथ आप इसको बाई करें और आपको ऊपर में 80,000 का लेवल मिल सकता है। हम लोग धीरे धीरे जो देख रहे हैं चाइना के अंदर भी जो इसका प्रीमियम है वो $2.30 $2.40 के ऊपर ये प्रीमियम पे चल रहा है और कंसिस्टेंट लार्ज एक साल से ऊपर चल रहा है। गोल्ड भी इसी तरह का सिनारियो एक साल पहले था और फिर क्या हुआ ये हम सबको पता है। तो चांदी के अंदर भी ये सिमिलर हो सकता है, चाइना बहुत प्रीमियम में है और यहाँ पे इंडिया में भी हम लोग वी एट एबेंस इन फिजिकल हम लोग देख पा रहे हैं कि चांदी के अंदर धीरे धीरे जो डिस्पेरिटी है वो खत्म होती जा रही है, डिमांड कम है बट डेफिनेटली आ रही है। मार्केट में हमको बहुत अच्छी फिजिकल डिमांड देखने को मिली थी,
तो मेरा व्यू ये रहेगा कि इसको अपना बाई ही रखना चाहिए और आप इसको बढ़ाते जा सकते हो। जैसे जैसे अगर ये नीचे लेवल आए तो आप आपकी पोजीशन में ऐड करो, और ऊपर में अगर 80,000 ये क्रॉस करता है तो फिर एक नए टेरिटरी में बहुत हेविली बुलिश जोन में आ जाएंगे। चलिए आगे कुछ और कमोडिटीज पे चर्चा करें, उससे पहले भूपेश जी आप बता दीजिए, जो डे ट्रेडर है या एक दो दिन का जिनका व्यू है वो चांदी में क्या करे, क्या कॉल है चांदी में सर? जी सर, चांदी की बात करें तो 75,500 के आसपास चांदी में खरीदारी करनी चाहिए इंट्राडे ट्रेडर्स को, और 75,100 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 75,900 और 76,300 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे आज और कल के लिए। एक बार भूपेश जी की कॉल भी स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा, सिल्वर 75,500 के आसपास खरीदारी की सलाह है, 76,000 के ऊपर पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट 76,490 रुपए का। ये कॉल भूपेश जी की तरफ से, यानी चांदी डिप पर खरीदारी करने की सलाह है। बिटुपन, आपको भी लग रहा है कि डिप पर चांदी खरीदे, आप क्या सलाह देंगे? मैं थोड़ा कॉन्ट्रास्ट सोच रहा हूँ विश्वम जी, क्योंकि अभी चांदी में एक्चुअली जो इंडिया का लेवल है 76,200 का जो लेवल है, जब तक ये क्लियर नहीं कर पाता मुझे लग रहा है वहां पे मार्केट में एक रेजिस्टेंस मिला, क्योंकि मैं गोल्ड का चार्ट और सिल्वर का दोनों का चार्ट देखता हूँ तो वहां पे लग रहा है गोल्ड के कारण सिल्वर में पुश मिला है, और जो अभी सिल्वर लैग कर रहा है तो 76,200 हमें ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये शायद सिल्वर थोड़ा फंस सकता है, ये थोड़ा करेक्ट और करने के लिए कोशिश करेगा, 76,200 के ऊपर जा नहीं पाया बाजार और अभी वहां से गिर रहा है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये फिल अप कर सकता है ये लेवल, या प्रोबेबली 74,700 या 74,300 तक मार्केट आ सकता है, प्रोबेबली वहां पे मार्केट रुक के प्रोबेबली वहां पे बाइंग आ सकता है, तो मुझे ये जोन में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है बाय। जैसे कि मैंने गोल में भी बताया कि गोल में मुझे यहाँ पे बाइंग नहीं, मुझे करेक्शन दिख रहा है यहाँ से 400-500 पॉइंट या और ज्यादा हो सकता है, या तो उसके हिसाब से मुझे सिल्वर में इस लेवल पे बाय करना थोड़ा थोड़ा सेफ नहीं लगेगा। चलिए अब क्रूड पे बात कर लेते हैं बिटुपन, अब छोटे छोटे जवाब आप लोगों से लेना चाहते हैं, क्रूड में क्या राय देंगे बिटुपन आप? क्रूड ऑयल में लग रहा है थोड़ा सेलिंग बन सकता है 69.40 के आसपास, एक इंट्राडे सेलिंग 7,000 के ऊपर स्टॉप लॉस विद टारगेट 68.80 68.50 सब टारगेट लेके हम इस हिसाब से इंट्राडे शॉर्ट कर सकते हैं। तो क्रूड की कॉल सेल कॉल है, बेचने की सलाह एक बार स्क्रीन पे दिखा भी दीजिएगा उस कॉल को जो लेवल्स, ताकि दर्शकों को पता लग जाए, 6,860 के टारगेट के लिए बेचने की सलाह, 7,000 के आसपास का स्टॉप लॉस है। आप भूपेश जी सहमत है बेचना चाहिए क्रूड को? बिल्कुल सर, मैंने भी कॉल मेरा यही शेयर किया है, 6,950-60 के आसपास क्रूड में बिकवाली करनी चाहिए, 7,010 के स्टॉप लॉस रहेंगे, 6,900 और 6,860 के लक्ष्य संभावित रहेंगे आज के। चिंतन, आप मेटल्स में आपकी टॉपिक क्या है, छोटा जवाब दीजिएगा। मेटल्स के अंदर मुझे लगता है एल्यूमिनियम और कॉपर जो है वो दोनों बहुत अच्छे जोन में है, और मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स वुड बी अ ग्रेट आइडिया। एल्यूमिनियम के अंदर आप 203-204 पे आप बाई कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 220, और अगर आपको कॉपर पे बाई करना है तो 740 और 750 के बीच में बाई करके 810 और 820 के टारगेट के लिए आप बाई कर सकते हो। भूपेश जी आपकी टॉपिक क्या है मेटल्स में? जी मुझे कॉपर पसंद है, कॉपर में खरीदारी करनी चाहिए 762-764 के आसपास, और 760 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, लक्ष्य इसमें 769 और 771 के संभावित रहे। पर आपको क्या पसंद है मेटल्स में, कोई एक काउंटर बता दीजिए। मेटल में मुझे कॉपर ही ठीक लग रहा है, क्योंकि 747 का बेस बना के मार्केट थोड़ा कंफर्टेबल है, तो 761 के आसपास मेरे हिसाब से इंट्राडे या बाय कर सकते हैं, 771-775 का टारगेट रहेगा, तो बाय के लिए मेरे हिसाब से कॉपर में सेफ रहेगा। ग्वार पर आपकी राय क्या बन रही है भूपेश जी? ग्वार में दूसरे कारोबार दिन अच्छी तेजी दिखी है, क्या तेजी एक्सटेंड होती आपको दिख रही है क्या ग्वार सीड ग्वार गम में? जी सर, ग्वार की बात करें तो ग्वार में एक छोटा सा रिवर्सल देखने को मिला है, क्योंकि ग्वार ने पिछला जो 52 वीक का लो पेनिट्रेट करके मार्केट दोबारा से रिवर्स किया है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन होता है किसी भी बाजार के लिए। यहाँ से बाजार में मुझे लगता है कि जो पिछले महीने में मार्च के महीने में जो लो लगे वो नहीं टूटने चाहिए, अपसाइड में 5,350 तक के लक्ष्य संभावित हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक रिवर्सल मोड में एंट्री किया है। शुक्रिया भूपेश जी आपका,
चिंतन मेहता जी आपका और विश्वन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को फटाफट से ट्रेडिंग कॉल भी बताया और इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ भी आपने दे दिए। लेकिन जाते जाते आपको हमने जीजेईपीसी जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के वाइस चेयरमैन किरित बंसाली से खास बातचीत की थी ज्वेलरी इंडस्ट्री को लेकर, उन्होंने क्या कहा और गोल्ड को लेकर उनका क्या आउटलुक है, आइए सुनते हैं। हमारे साथ जीजेईपीसी के वाइस चेयरमैन किरित बंसाली साहब है, शुक्रिया सर आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। सबसे पहला सवाल, जो जिस तरह की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जेम्स ज्वेलरी इंडस्ट्री में दिख रही है, क्या लग रहा है ये नया फाइनेंशियल ईयर किस तरह का रहने वाला है? आने वाला समय इंडिया का है और इंडिया का रहने वाला है, और जेम्स जो प्रधानमंत्री की इच्छा है देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का, उस प्रयास में जेम्स ज्वेलरी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। हम मुंबई में न्यू मुंबई मापे में इंडिया ज्वेलरी पार्क लेके आ रहे हैं, 20 एकड़ में करीबन 1,00,000 नए रोजगार उपलब्ध होंगे। जरूर इस वक्त हमारी इंडस्ट्री कुछ कठिनाई का सामना कर रही है, जैसे कि अमेरिका और चाइना स्लो होने के कारण एक्सपोर्ट में कुछ गिरावट है, मगर आने वाले समय में हमारे चेयरमैन और हमारी एक टीम लैटिन अमेरिका और दूसरे कई देशों का प्रवास कर रही है जहाँ संभावना है एक्सपोर्ट बढ़ाने की। सो हम बहुत उम्मीद के साथ, बड़ी लगन के साथ काम कर रहे हैं इस दिशा में। ओके सर, डायमंड एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं, वहाँ पर किस तरह की ग्रोथ वहाँ पर दिख रही है? पैरेलली एक इंडस्ट्री है लैब ग्रोन मार्केट, दूसरा नेचुरल डायमंड है ही, क्या लग रहा है लैब ग्रोन को लेकर किस तरह की डिमांड दिख रही है और आगे वहाँ पर किस तरह की ग्रोथ है? लैब ग्रोन इंडस्ट्री एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, और जो मैं आपको बताऊँ कि इसके प्राइस जो इतने सस्ते हैं कि एक कॉमन मैन, एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास वो अफोर्ड कर सकता है। तो देर आर टू डिफरेंट मार्केट, एक नेचुरल डायमंड की मार्केट है, एक लैब ग्रोन डायमंड की मार्केट है, दोनों चलेंगे, दोनों का विकास होएगा। ओके, पिछला साल डायमंड मार्केट को लेकर प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी कमज़ोर रहा, क्या लग रहा है अब नया साल, नया फाइनेंशियल ईयर किस तरह का रहने वाला है? नहीं, आने वाला समय मैंने आपको बताया बहुत अच्छा है प्राइसिंग के लिए, प्राइसिंग के लिए भी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि नई मार्केट, जैसे मैं बताऊँ आपको कि रिसेंटली पिछले 2 साल में हमारा एफटी होने के बाद हमारा 17-18% एक्सपोर्ट का बढ़ा हुआ है गल्फ में। ये एक शुरुआत है, जो लॉस हमको अमेरिका और चाइना से आ रही है उसको भरपाई करने के लिए हम और क्षेत्र में हमारा प्रयास चालू है, हमारा प्रवास चालू है, विभिन्न देशों के साथ हमारी टीटी हो रही है, और आने वाला समय निश्चित भारत जेम्स ज्वेलरी सेक्टर के लिए अच्छा होगा। सर, गोल्ड डिमांड जो बैंक्स की तरफ से जो गोल्ड इंपोर्ट हुए हैं, जो मार्च के नंबर है वो काफ़ी कमज़ोर नंबर है, हालांकि रिकॉर्ड हाई थे, तो क्या लग रहा है गोल्ड का मार्केट आगे कैसा रहेगा? क्योंकि रिकॉर्ड जिस तरह से भाव तेज़ी से बढ़े हैं, मार्च में सिर्फ 9% दाम बढ़ गए हैं, पिछले फरवरी के लोएस्ट लेवल से देखें तो करीब करीब 6,500 रुपये की तेज़ी आ गई है सोने में, किस तरह का ट्रेंड गोल्ड मार्केट में दिख रहा है? देखो, अचानक भाव में इतनी बढ़ोतरी, कंज्यूमर थोड़ा कन्फ्यूज होता है, मगर आप हिस्ट्री देखो गोल्ड में कभी गिरावट नहीं आई है, और आम नागरिक का और जहाँ तक सामान्य जनता का सवाल है, उनको इस मेटल पर इतना विश्वास है। आप देखो तो हिंदुस्तान के गरीब घर में भी 1-2-5 ग्राम मिलेगा, तो गोल्ड पर जो विश्वास है वो कायम रहने वाला है। ये जो सडन प्राइस इन द प्राइस, उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा। क्या लग रहा है आपको इस साल कहाँ तक भाव जा सकता है, ऊपर का भाव दिवाली तक आप कहाँ तक देख रहे हैं गोल्ड का? मुझे लगता है ये ऑलरेडी बहुत हाइक हो चुका है, ये दिवाली तक स्टेबल रहना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा कोई बॉल पार्क फिगर, कोई रेंज आप दे सकते हैं? मैं एग्जैक्ट टारगेट नहीं बोल रहा हूँ, गोल्ड का प्राइस का फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गोल्ड ऐसी कमोडिटी है जिसको विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कल समझो रशिया यूक्रेन हुआ, ऐसा कहीं और हुआ तो गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है। अगर दुनिया में सब सेटलमेंट हो जाता है, लड़ाई ख़त्म हो जाती है, तो गोल्ड प्राइस स्टेबल होता है, कम भी हो सकता है। चांदी अब तक लैगर रही है गोल्ड के मुकाबले, क्या लग रहा है, क्या चांदी में अब कुछ अपसर्ज, आगे कुछ तेज़ी देखने को मिलेगी? डेफिनेटली ये दोनों मेटल ऐसा है जहाँ आने वाले फ्यूचर में तेज़ी दिख रही है।